अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। गणेश नाइक की मांग, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स माफ करो, नवंबईकरों के लिए मंगाओ 200 वेंटिलेटर, आयुक्त ने दिलाया भरोसा। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक गणेश नाइक ने आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से फिर मुलाकात की और कोरोना के साए में जी रहे नवंबईकरों को जरूरी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने एवं मुश्किलों से राहत दिलाने पर चर्चा की। भाजपा विधायक गणेश नाइक ने लॉकडाउन में आर्थिक संकट झेल रहे नवंबईकरों का प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर माफ करने पर भी जोर दिया। वहीं गरीब छात्रों को तत्काल छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया। गणेश नाइक ने वेंटिलेटर की भारी कमी बताते हुए मनपा से 200 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। उन्होंने चर्चा के हवाले से बताया कि आयुक्त ने महीने भर में 80 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने और जरूरी मुद्दों पर गंभीर पहल करने का भरोसा दिलाया है। श्री बांगर जी जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है और एडमिनिस्ट्रेटर भी है, मैंने उनसे कहा कि भाई आने वाले दिनों में जो वैक्सीनेशन की जो सुविधा जो इंडस्ट्री में उपलब्ध होने वाले R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से अभी उपलब्ध होने वाली है, आज के तारीख में जिन संस्थाओं ने ऐसे वैक्सीन तैयार की है उनके पास अपनी डिमांड रखो, उनसे बात करो। जिस दिन बाज़ार में ये वैक्सीन आएगी और शहर में लोग उसका उपयोग ले रहे हैं, नई मुंबई में जनता के लिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वो बात तुरंत मंजूर की और आज के आज वो सभी इंस्टीट्यूट को पत्र लिखने वाले हैं कि जिनके जरिए मैंने बोला दो से मिलने वाले 4 को पत्र लिखो। और देखिए बात, एक बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी दवा को या किसी वैक्सीन को अप्रूव किया तो 19-20 का फर्क हो सकता है एक आधा, लेकिन वैक्सीन तो वही एक जैसी रहती है। तो उन्होंने कबूल किया और अपने नई मुंबई की जनता के लिए बड़ी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होगी, उसके लिए मैंने उनको सूचित किया। एक जैसे मैंने कहा कि भाई लास्ट वीक में मैंने कहा था नई मुंबई में एक भी वेंटिलेटर का बेड खाली नहीं है, ये बात मैंने बोली थी, लेकिन आज के तारीख में उन्होंने बताया कि करीबन 3-4% वेंटिलेटर खाली है और उस पर ही न रुको। तो हमने कहा है कि प्राइवेट, अभी देखिए अभी आपने महापालिका के पास टेक्निकल स्टाफ इतना नहीं है, डॉक्टर भी उस स्टैंडर्ड के मेरे पगार की जो सुविधा मतलब जो प्राइवेट में है वो अपने आप जो बेसिक DA अलाउंसेस नहीं है, तो वो लोगों को जिम्मेदारी दे के ऐसे 4-5 हॉस्पिटल के माध्यम से 200 ICU बेड ये करीबन 20-25 दिन में तैयार हो जाएंगे, उसमें करीबन 80 वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी, 20 20 20 और 20। मैंने उसके ऊपर भी जाके कहा है कि भाई जो वर्ल्ड में जिनको अनुभव, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ये कोरोना का जो प्रभाव है ये अगस्त सितंबर तक भी बढ़ सकता है और ये नवंबर तक भी नहीं जाएगा, ऐसा कोई रुकेगा ऐसा कोई नहीं बोलते, तो ये तैयारी करने के लिए ये 200 ICU बेड के अलावा और 200 की भी तैयारी रखो। MIDC इलाके में जो IT के हब है वो बिल्डिंग खाली है, वो मालिक लोगों से बात करो, महानगर पालिका की प्रॉपर्टी होगी, सिडकू की प्रॉपर्टी होगी, उसकी भी छानबीन करो और तैयारी में रहो इनडायरेक्टली। तो आने वाले एक महीना में नई मुंबई में 80 वेंटिलेटर की और सुविधा होने वाली है। जैसे मैंने कहा कि गत वर्ष में अपन शिष्यवृत्ति के तौर पे नई मुंबई महापालिका में जो शिक्षण देने वाले बच्चों को शिष्यवृत्ति मिली थी, वही शिष्यवृत्ति के अमाउंट जल्द से जल्द उनके अकाउंट पे देने के लिए मैंने उनको सूचित किया। उन्होंने तुरंत अपने एजुकेशन अधिकारी को बोल के सभी हेडमास्टर लोगों से बातचीत करके उनके अकाउंट में पैसा जल्दी कैसा जाएगा इसके लिए उन्होंने आदेश भी दिए। ये जो वासी कोविड सेंटर जो अपना एग्जीबिशन सेंटर में बसा है वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का सेपरेशन उन्होंने कर दिया, मैंने लास्ट टाइम में मांग की थी वो हो चुका है।
उधर ही लोगों को फिर से ब्लड चेक करने के लिए वासी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, एक्सरे निकालने के लिए जाना पड़ता है, डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। तो उनको मैंने बोला कि ब्लड चेकअप का सेंटर उधर ही रखो, एक्सरे का मशीन उधर लगाओ और डायलिसिस का मशीन भी उधर लगा, और वो उसमें सुधारना कर रहे हैं। मेरी मांग थी वासी हॉस्पिटल कोविड फ्री हॉस्पिटल होने के लिए, उन्होंने वो चीज़ को मंजूर किया है और जगह पे वासी में जो कोविड के पेशेंट हैं उनको स्टेजेस में वासी निकाल के वासी को कोविड फ्री हॉस्पिटल बनाने का उन्होंने कबूल किया है। रहा सवाल जो प्रॉपर्टी टैक्स, मैंने बोला कि मार्च से लेके आज तक 4 महीना हो गए, लोगों को रोजगार नहीं, पगार नहीं, कंपनी वालों ने किसने 25% पगार दिया, किसने आधा पगार दिया, किसने पूरा भी दिया, लेकिन ये स्थिति में ये 4 महीने का प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी लोगों से न लो। ये उपायुक्त ने मुझे बताया था एक कि भाई ये यही तो साधन है, तो बोला साधन रहने दो, आज के तारीख में लोगों को बचाना, जान जाने से बचाना ये पहला प्रायोरिटी अपना है। उनको मैंने बोला कि आप गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके इस बात को अंजाम दीजिए। जो लास्ट हाउस में नई मुंबई स्थित 500 स्क्वायर फीट से कम होने वाले मकान को टैक्स फ्री किया जाए, मेरे प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ किया जाए, ये मांग थी। ये सूचित तो मैंने किया था, सभागृह में चर्चा हो गई, पारित किया गया, पास किया गया, राज्य शासन के पास भेजा हुआ है। मैंने उनको बोला यू फॉलो इट, उसको आगे आगे बढ़ा के लोगों को इसमें राहत मिले ऐसा बात करो, और उन्होंने वो बात को आगे आगे बढ़ाने का कबूल किया। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री गणेश नाईक की मनपा आयुक्त से यह 6वीं मुलाकात है। कोरोना संक्रमण के भय से जहां अधिकांश नेता घरों में दुबके पड़े हैं, भाजपा विधायक गणेश नाईक रिस्क लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहे हैं और समाधान का प्रयास भी कर रहे हैं। एक सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि कोरोना काल में जब लोग मुश्किल और मुसीबत में हैं, मुझे राजनीति नहीं करनी है। अगर महानगर पालिका जनता के लिए कोरोना उपचार और नागरी सेवाओं की अच्छी व्यवस्था कर देती है तो मेरा यहाँ मनपा में आना बंद हो जाएगा। मैंने जो बात को उठाया उसको दूसरे लोग भी उठाते हुए तो मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि बात ऐसी कि वो जरूरत है, वो जरूरत पूरी करने के लिए वो भी वो सवाल को ताकत दे रहे हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। काम होने से मतलब इसलिए उठाया जो सब जनता जानती है, और जब राजनीति करने का राजनीति जरूर करेंगे, आज राजनीति करने का आशा नहीं। देखिए बात ऐसी कि जरूरत जिस चीज़ की होगी ना वो हर चीज़ करनी चाहिए। अभी कभी इस बारे में मैं बोलूँगा कि यदि मुझे कंसल्टेंट के तौर पे इधर बुलाया होता तो मैं बोलता था कि भाई 5 दिन पहले लोगों को बोलता था कि भाई सब पूरा अपना खाना पीना सब तैयार रखो, सीमित चीज़ों में अपनी 20 दिन की तैयारी रखो। 20 दिन कोई घर के बाहर निकले, पुलिस स्टेशन वाले पुलिस स्टेशन में, हॉस्पिटल के कर्मचारी हॉस्पिटल में, सुरक्षा कर्मचारी हो गए इधर उधर ही मतलब मूवमेंट नहीं रहे। 20 दिन का एक बार लॉकडाउन करे, ये चेन को तोड़े, उसके बाद आने वाले हर इंसान को उसकी छानबीन करा के उसके अपने ब्लड का उसका ऑक्सीजन का जायजा लेके उसके शहर में शहर में कोरोना सीट के लिए भी बीच के लिए भी बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।